हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेकंड पार्ट ऑफ अ प्रोफेसी कम्स ट्रू रिटन बाय विलियम शेक्सपियर जो कि मैकबेथ एक प्ले है और उसका ही लिया हुआ है, एक एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका पहला पार्ट कवर कर लिया है और आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 170 इससे पहले 169 तक का पेज मैंने कवर कर लिया था जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाइए उसे देखिए और उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं बैंको द अर्थ बबल्स एज हैज एंड दीज आर आर ऑफ देम विदर दे अब हमने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम पहले हमने क्या देखा दैट मैगबेट एंड बैंको जो कि एक वॉर लड़कर आ रहे थे एंड जो उन्हें रास्ते में हीथ में जहाँ पर पूरा डिजर्ट टाइप था झाड़ झंकार टाइप था वहाँ पर थ्री विचेज अपीयर होती है और आकर कुछ प्रिडिक्शंस करती है ओके और वो प्रिडिक्शन करती है मैकबेथ उससे बहुत कुछ और पूछना चाहता है लेकिन वो उतना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देती है वहाँ से वैनिश हो जाती है अब ये जो कन्वर्सेशन है बैंको एंड मैकबेथ के बीच का ये कन्वर्सेशन देख रहे हैं उन विचेस के वैनिश हो जाने के बाद तो बैंको क्या बोलता है द अर्थ हैज बबल्स जैसे कि अर्थ में बबल्स होते हैं अब यहाँ पर आप बबल्स का ये सेंस निकालिए कि बबल्स क्या होते हैं ट्रांजियंट होते हैं लाइक like, टेम्पररी होते हैं वो ऑलवेज के लिए नहीं होते हैं जैसे कि वॉटर में बबल्स होते हैं अर्थ में बबल्स होते हैं वैसे ही ये थी ये सच में वैनिस हो चुकी है मैगबेथ इन टू द एयर तो मैगबेथ क्या बोलता है हाँ वो वेनिस हो चुकी है गायब हो चुकी है एयर में एंड वॉट सिंट कॉरपोरल मेल्टेड एज ब्रीथ इन टू द विंड मतलब हवा कोरपोरल मीन्स होता है फिजिकल जो कि हमें फिजिकल दिख रही थी ह्यूमन बींग्स जैसी दिख रही थी थ्री विचेस अब ये जैसे सांसे घुल जाती है हवा में वैसे ये घुल चुकी है और ये यहाँ पर नहीं है वुड दे हैड स्टेट तो क्या हम ये समझे कि वो थी या फिर नहीं थी दे आर कम्प्लीटली सरप्राइज हेयर वे आर फाइंडिंग द एक्सक्रामेट्री साइन बैंक को देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है वे आर सच थिंग्स हेयर एज वी डू स्पीक अबाउट और हैव वी एन ऑन द इनसेन रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर क्या वो सच में थी जिस चीज़ के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं क्या वो विचेज यहाँ पर सच में थी या फिर हमने कुछ ऐसा इंसेन रूट या फिर कुछ पॉइजनस चीज खा लिया है जिसके चलते हमारा जो लाइक जो रीजन है अब देखिए शेक्सपियर वगैरह के प्ले में हमें बहुत सारे मिथ्स मिलते हैं जो कि आज के टाइम में हम अगर उसे लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचें ना तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है तो जो प्रिजनर होते थे उनमें कुछ एल्यूजन हैल्यूशिनेशन हो जाता था तो क्या हम उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं क्या हमने कुछ गलत खा लिया है मैगबेट योर कि तुम्हारे बच्चे जो है ना वो किंग बनेंगे बैंको यू शैल बी किंग बिकॉज विच इज ने मैगबेट को कहा कि तुम किंग बनोगे और बैंकों को कहा कि तुम्हारे बच्चे किंग बनेंगे तो ये जो चीज है ये दोनों आपस में ये लो लोग एक दूसरे से रिपीट कर रहे हैं मैकबेट एंड थेन ऑफ कॉर्डर टू वेंट इट नॉट सो बैंको। टू द सेल्फ़ सेम ट्यून एंड वर्ड हु इज हेयर और उसके बाद देखिए और फिर मैकबेद क्या बोलता है कि उसने तो मुझे ये भी कहा है कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर भी बनूंगा क्या ऐसा होगा क्या ऐसा सच में जाएगा अब बैंक को देखिए ये जो थेन ऑफ कॉर्डर बोलकर जो एड्रेस किया जा रहा है ये कोई और भी बोल रहा है ओके okay? सेल्फ ट्यून एंड वर्ड्स इज़ हियर उसके बाद इनका ध्यान जाता है कि देखो कौन आ गया और कौन ये जो वर्ड्स है ये रिपीट कर रहा है नैरेटर एज दे मल ओवर वर्ड दे हैव हर्ड फ्रॉम द विच टू मैन एंटर अब जैसे कि वो लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्लीटली कंफ्यूज थे कि क्या हुआ है उन्होंने क्या सुना है द विच टू मैन अम्पेयर एंटर तो वो विच के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद दो लोग जो है वो एंटर होते हैं वो दोनों कौन है जो एंटर हुए हैं उनका नाम है एंटर रॉस एंड एंगस देखिए एंगस एंड रॉस जो है यहाँ पर एंटर हो जाते हैं और आकर रॉस क्या बोलता है द द किंग मैकबेट न्यूज ऑफ दाई सक्सेस तो किंग ने बहुत ही खुश होकर तुम्हारे सक्सेस के न्यूज को रिसीव किया है एंड वेन ही रीड द पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट हिज वंडर्स एंड हिज प्रेज जो कंटेंट विच शुड बी डाइन और हिज और रॉस बोलता है कि जब किंग तुम्हारे वेंचर्स के बारे में तुमने जिस तरीके से पर्सनल जोखिम उठाया तुमने जिस तरीके से फाइट किया वो सुनकर वो जो है ना काफी आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सोचता है कि मैं तारीफ करूं तो किसकी करूं मैकबेथ की करूं या फिर वो खुद की तारीफ करे क्यों बिकॉज अगर मैकबेथ लड़ भी रहा है तो किसकी तरफ से लड़ रहा है किंग डंकन की तरफ से लड़ रहा है तो अल्टीमेटली जीत किसकी हो रही है डंकन की हो रही है

जिस दिन तुम रेबल्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे रेबल्स के अगेंस्ट में फ़ाइट कर रहे थे उसी दिन उसी दिन उन्होंने ये भी सुना कि तुम कैसे स्टाउट होकर एकदम नॉर्वेन रैंक्स जो थे अलग अलग आ, स्टाउट मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग होकर एकदम नॉर्वेन के जो रैंक्स थे उनसे बिना डरे तुम काफ़ी अच्छा लाइक तुमने डेथ को भी हरा दिया एज थिकजे हेल केम पोस्ट विथ पोस्ट और उसके बाद सभी लोग आए और एक एक करके तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे एंड एवरी वन डिड बियर अर दाई प्रेज इन इज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस एंड पोर्ट देम डाउन बिफोर हिम और किंग के सामने एक के बाद एक लोग आते रहे और तुम्हारी तारीफ करते रहे तुम्हारे बारे में बोलते रहे एंड पोर्ट देम डाउन बिफोर हिम और राजा के सामने तुम्हारी तारीफ़ होती रही एंगस वी आर सेंट टू गिव दे फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर थैंक्स Only to herald thee into his sight not pay thee. नेक्स्ट देखिए एंगस क्या बोलता है हम यहाँ पर आए हैं अपने रॉयल मास्टर की तरफ से रॉयल मास्टर यहाँ पर कौन हुआ रॉयल मास्टर इज किंग डंकन तो तुम्हें थैंक्स करने के लिए आए हैं ओनली टू हिराल्ड दी इन टू साइड नॉट पे दी देखिए हिराल्ड मीनस होता है इन्फॉर्म करना तो यहाँ पर एंगस बोलता है मैकबेद को कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म करने आया हूँ और ये मेरी तरफ से कोई लाइक राजा ने मुझे कुछ पे करने के लिए नहीं बोला है तुम्हें बस इन्फॉर्म करने के लिए बोला है रॉस एंड फॉर एन ऑर्स्ट ऑफ ग्रेटर ऑनर ही बेड मी

टाइटल विचेस थोड़ी देर पहले अपीयर हुई थी और उन्होंने ये प्रोफेसी की थी ये प्रिडिक्शन किया था कि मैकबेथ आगे चलकर टेन ऑफ कॉर्डर बनेगा जो कि सच हो गया बैंको क्या बोलता है वॉट कैन द डी विल स्पीक ट्रू

कि तुम सही बोल रहे हो जो थीन ऑफ कॉर्ड जो है वो अभी भी जिंदा है लेकिन जजमेंट ज़, के अकॉर्डिंग इट मींस किंग डंकन के जजमेंट के अकॉर्डिंग उसकी जो लाइफ है ना वो खत्म होने वाली है वेदर ही कंबाइंड विद कम्बाइंड ऑफ नॉर्वे और डेड लाइन द रेबल विथ हिडन हेल्प एंड वेंटेज और दैट विद बोथ ही लेबर्ड इन रैक आई नो नॉट बट रीजन कैपिटल हिम देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है ये मुझे नहीं पता कि वो नॉर्वे की हेल्प कर रहा था या फिर वो उनसे मिला हुआ था या फिर चोरी छुपे वो रिबल्स स्टेट मीन्स दैट दुश्मनों की हेल्प कर रहा था ये सब मुझे नहीं पता है लेकिन उसके पास जो कैपिटल पाया गया है जो ट्रीजन मीन्स क्या होता है खजाना जो खजाना पाया है ये भी इस बात को अप्रूव करता है कि वो धोखेदार वो धोखेबाज है ओके और हमारी कंट्री को बर्बाद करने में उसका पूरा मेहनत है उसकी पूरा ध्यान है तो ये बात एंगस ने बोली अब देखिए उनकी प्रोफेसी सही हो गई है अब मैकबेथ को तो कहीं ना कहीं ये बिलीव होगा ही कि शायद वो वो जो थी वो सही बोल रही है मैकबेथ क्या बोलता है अब मैं आपको असाइड के बारे में बताती हूँ असाइड एक है स्पीच है जिसमें ऑडियंस सुन सकती है कि कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है लेकिन बाकी के जो वहां पर कैरेक्टर्स रहते हैं वो ये नहीं समझ सकते हैं कि इसने अपने मन में क्या सोचा है जैसे हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि कोई अपने मन में सोच रहा है कोई भी अच्छा कैरेक्टर या खराब कैरेक्टर जो भी है अपने मन की बातें सोच रहा है उसे हम सुन पाते हैं लेकिन बाकी के जो कलाकार रहते हैं बाकी के जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो नहीं सुन पाते हैं तो ये देखिए असाइड ग्लैमिस द ऑफ अब ये ग्लैमिस उसका प्रेजेंट टाइटल था और अब वो थीन ऑफ कॉर्डर भी बन चुका है द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड ग्रेटेस्ट यहाँ पर क्या है कि वो किंग बन जाएगा वो अभी आने वाला है ये अपने मन में सोचता है लेकिन उसके बाद देखिए ये अपने मन में सोच रहा है उसके बाद यहाँ से उसकी स्पीच शुरू हो रही है थैंक्स फॉर योर पेंट्स कि ठीक है आपने यहाँ पर आया कष्ट किया उसके लिए थैंक्स एंड डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन सेल बी किंग्स अब ये जो स्पीच है यहाँ से ये स्पीच ये बैंको को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बच्चे जो है राजा बनेंगे वेन डोज दैट गेव द थेन ऑफ कॉर्डर टू मी क्योंकि अगर मेरा थेन ऑफ कॉर्डर बनना सच हो सकता है तुम्हारे बच्चों का भी तो किंग बनना पॉसिबल हो सकता है नो लेस टू देम बिकॉज जो विचेस है उन्होंने तुमसे भी कुछ कम प्रॉमिस नहीं किया है बैंको क्या बोलता है देखिए दैट ट्रस्टेड होम माइट इन कैंडल यू अन टू द द क्राउन बिसाइड्स थेन ऑफ थे तो बैंको देखिए यहाँ पे बहुत ही होशियारी वाली बात करता है कि ठीक है तुम जो ट्रस्ट कर रहे हो उनके ऊपर उससे तुम इंस्पायर हो सकते हो कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर से अब क्राउन के तरफ सोचने के लिए आगे बढ़ो बट इट्स स्ट्रेंज लेकिन ये काफी अलग है काफी स्ट्रेंज है एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल्स द ट्रूथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस कौन हुआ लाइक like, uh, uh, काला जादू करने वाली जो विचेस है वो कई बार हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमें कुछ सच बताती है हमारे ऑनेस्ट ट्रिफल्स को जीतती है टू बिट्रे अस इन द डिपेस्ट कॉन्सिक्वेंस अ वर्ड आई प्रे यू और उसके बाद देखिए ये क्या बोलता है कि हमें धोखा देने के लिए वो हमें पहले तो छोटी छोटी बातें सच हो जाती है लेकिन उसके बाद किसी डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस में कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट तो उसके बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है हमें जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसान वाला हो सकता है कजिन अब what आई प्रे यू और उसके बाद देखिए ये क्या बोलता है कि मैं तुमसे कुछ प्रे करता हूँ कजिन्स यहाँ पे बोल रहा है रॉस एंड एंगस को मैकबैट कैन नॉट बिलीव वॉट ही हियर्स एंड इट इज इन डीप था तो बैंक को तो अब यहाँ पर रॉस एंड एंगस से बात करने में बिजी हो जाएगा लेकिन नैरेटर यहाँ पर बोलता है कि मैगबेट जो है ना वो डीप थॉट में चला गया इट मीन दैट उस प्रोफेसी के बारे में बहुत ही अच्छे से सोचना शुरू कर दिया मैगबेट असाइड अब मैगबेट जो है ना देखिए वापस से अपने ख्वाबों में लाइक डूब जाता है और क्या बोलता है टू टूट आर टोल्ड दो सच बोले गए थे एज हैप्पी प्रोलोग्स टू द स्वेलिंग एक्ट ऑफ द इम्पीरियल थीम और प्रोलोग्स uh, मीन्स क्या होता है लाइक like कोई इवेंट जो कि सच हो जाना स्वेलिंग यहाँ पर फूलना नहीं होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा तो ये जो इम्पीरियल एक राजा वाला जो मुझे उपाधि दी गई है शायद वो इंक्रीज हो जाए मेरा आई थैंक यू जेंटलमैन और उसके बाद देखिए इस इसके असाइड वाली स्पीच जो है वो वापस से शुरू होगी थैंक यू बोलता है और फिर क्या बोलता है दिस सुपर नेचुरल सोलिसिटिंग कैन नॉट बी इल तो ये जो सुपर नेचुरल पावर मेरे सामने सामने आई है ये बुरी तो नहीं है कैन नॉट बी गुड लेकिन ये अच्छी भी नहीं हो सकती है इफ़ इल वाई हैथ इट गिवेन बी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस अगर ये मेरे लिए बुरी होती तो ये मुझे इतनी अच्छी अच्छी सक्सेस और विशेष क्यों दे के जाती कवेंसिंग इन अ ट्रूथ जो कि अफकोर्स ट्रुथ भी प्रूफ हो रहा है इसका कमेंसिंग मतलब शुरू होना जिसका शुरुआत तो सच से ही हुआ है आई एम थेन ऑफ थेडर और अब मैं क्या हूँ थेन ऑफ कॉर्डर हूँ इफ गुड वाई डू आई इल्ड टू दैट सजेशन हुज इमेज अनफिक्स माय हेयर और अगर ये सही है प्रोफेसी इनकी और अगर ये मेरे लिए अच्छी है तो क्यों ये जो सजेशन है कि मैं किंग बन जाऊंगा इसका जो इमेज है ना मेरे लाइक हेयर अनफिक्स कर दे रहा है इट मीन दैट मेरे जो uh, uh, रोंगटे हैं वो खड़े हो जा रहे हैं एंड माई सिटेड हार्ट नॉक

तो अभी का जो मेरा डर है वो आने वाले इमेजिन जो मैं कर रहा हूं उससे वो बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे माई थॉट हुज मर्डर येट इज बट फंटेस्टिकल सेक सो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन दैट फंक्शन इज स्मूदर इन द सरमाइज एंड नथिंग इज बट वॉट इज नॉट मेरा थॉट अब देखिए इसके मन में यहीं से ये यह बात आ गई कि अगर मैं किंग बनता हूँ तो कहीं ना कहीं डंकन को मरना ही होगा और अगर ये जो थॉट मेरे माइंड में आता भी है ना तो मेरा माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जा रहा है सो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन कि मैं मुझे जिस तरीके से रहना चाहिए और मेरा जो थॉट है जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहा है नथिंग इज बट वॉट इज नॉट तो ये कुछ नहीं है लेकिन क्या है ये ये जो विचेस यहाँ पर अपीयर हुई वो क्या थी बैंको लुक हाउ आवर पार्टनर्स रैप तो बैंको को यहाँ पर क्या बोलता है देखो हमारा पार्टनर जो है ना वो कैसे डे ड्रीमिंग कर रहा है रैप्ट क्या होता है कम्पलीटली फैसिनेटेड और एब्सॉर्ब बाई वट वन इज और हियरिंग तो उसने जो सुना है उसके ऊपर वो कैसे डीप थाट में चला गया है ये बात बैंको बोलता है मैकबेथ असाइड अब मैकबेथ वापस असाइड वाली स्पीच कर रहा है इफ चांस विल हैव मी किंग वाई चांस मे क्राउन में विदाउट माइस्टर तो देखिए अगर चांस मिलता है मुझे किंग बनने का और अगर लाइक uh, फेट like ने ये डिसाइड किया है कि मुझे चांस uh, मिलेगा मैं किंग बन जाऊंगा देन इट्स ओके बैंको न्यू ऑनर कम अपॉन हिम लाइक आवर स्ट्रेंज गार्मेंट्स क्लीव नॉट टू दियर मोल्ड बट विद द एड ऑफ यूज अब देखिए न्यू ऑनर्स कम अपॉन हिम हिम यहाँ पर आया है मैकबेद के लिए ऑनर नया सम्मान उसको नया सम्मान क्या मिला है वो थेन ऑफ कॉर्डर बन चुका है और वो अभी उसके लिए स्ट्रेंज garments के जैसे है बिकॉज जब हम नए कपड़े लेते हैं तो हम उसमें फिट नहीं रहते हैं जब तक कि उसे हम यूज नहीं कर ले और यूज करने के बाद हम उसकी आदत के लाइक नहीं हो जाए मोल्ड मीन्स क्या होता है किसी चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना तो जब हम उसके आदि हो जाते हैं उनके हैबिचुएटेड हो जाते हैं तब हमारे लिए ठीक होता है यही हालत अभी मैकबेथ की है बिकॉज वो अभी ऑफ़ थे बना है तो वो काफी ज्यादा वंडरिंग है असाइट कम वॉट मे टाइम एंड द आवर रन थ्रू द रफेस्ट मैकबेथ क्या बोलता है अपने अपने मन में कि चलो ठीक है देखते हैं कि टाइम और आवर्स जो है ना वो रफेस्ट डे इस रफ डे में क्या ले, क्या रिजल्ट लेकर आते हैं बैंको को मैकबेथ वी स्टे अपॉन योर लीजर अब बैकबे बेंक उसके बैंको जो है वो मैकबेथ को बताता है कि ठीक है तुम तो अभी अपने ख्यालों में खोए हुए हो तो तुम देखो हम तुम्हारा जो है ना वेट कर रहे हैं मैकबेथ गिव मी योर फेवर माई डल ब्रेन वॉज रॉट विद द थिंग्स फॉर गेट तो मैकबेथ बोलता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है बोलता है ठीक है मुझे आप एक सपोर्ट करिए फेवर दो मतलब लाइक एक सपोर्ट करो मेरा जो माइंड है ना वो अभी किसी दूसरे ही इमेजिनेशन में चला गया काफी खो गया है काइंड जेंटलमैन योर पेन्स आर रजिस्टर्ड वेयर एवरी डे आई टर्न द लिप्स टू रीड देम और द काइंड जेंटलमैन ये बोलने का तरीका एक कि तुम्हारी जो पेन्स है तुम जो मेरे लिए अफोर्ड्स कर रहे हो वो मैंने रजिस्टर कर लिया है और मैं हर दिन इसका शुक्रगुजार रहूंगा लेट अस टुवर्ड्स द किंग चलो अब हम राजा के तरफ बढ़ते हैं राजा यहाँ पर कौन हुआ किंग डंकन हुआ थिंक अपॉन व्हाट हैड चांस्ड एंड एक्ट येट मोर टाइम द इंट्रीम हैविंग वेट इट लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स ईच टू अदर अब यहां से जो स्पीच है ये स्पीच ये बोल रहा है बैंकों को देखिए बैंकों को यहां पे ये क्या बोलता है मैकबेद कि ठीक है हमें जो चांस मिला है ना तुम एक बार और उसके बारे में सोचो हैविंग वेड इट लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट ईच टू अदर और बिना कोई मन में मलाल रखे हुए प्रोफेसर के ऊपर बिलीव करते हो बिकॉज मैगबेट तो कम्पलीटली पजल हो चुका है और उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं किंग बन सकता हूँ तो वो डंकन को सॉरी वो जो बैंको है उसे भी अपने आइडियाज में या फिर अपने अपने लाइक तो यहाँ पर मैकबेथ को तो कम्प्लीटली लगता है कि ये प्रोफेसी सच होगी और वो कहीं ना कहीं ये बात है कि नहीं आ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है बैंको वेरी ग्लेडली बैंक को बोलता है ठीक है जब हमें टाइम मिलेगा तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे मैकबेथ टिल देन इनफ कम फ्रेंड्स ठीक है अब हम लोग आते हैं नरेटर मैकबेथ एंड बैंको इज द प्लेस पैलेस एंड मीट किंग डंकन और उसके बाद नरेटर बोलते हैं डेट मैकबेथ एंड डंकन बैंको जो है वो uh, इसके पैलेस पर पहुंच जाते हैं किंग डंकन के पैलेस पर और उसके बाद उसे उससे मिलते हैं तो ये था हमारा चैप्टर ये हमें यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है अगर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करिए मैं इसके ऊपर एक समरी बनाने की कोशिश करूंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल